सुप्रभातम बच्चों, आज के इस वीडियो में सर्वनाम के प्रकार के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। इसके पहले सर्वनाम क्या है, सर्वनाम का प्रयोग कहाँ होता है और पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में आप लोगों को बताया गया। अब आज के इस वीडियो में सर्वनाम के प्रकारों में दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से यह स्पष्ट है कि निश्चयवाचक, वाचक में सुनता है कहना या बताना, निश्चय निश्चित सर्वनाम में सबका नाम सर्वनाम। वह सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा, सर्वनाम शब्द की बात हो रही संज्ञा की बात नहीं, वह सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति, ये निश्चित हो कि यही व्यक्ति है, अथवा वस्तु की हो, ये निश्चित हो कि ये वही ही वस्तु है, कोई दूसरी नहीं है, संकेत किया जाता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी वह सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति तथा वस्तु की ओर संकेत किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी घड़ी है, यह सर्वनाम किसकी घड़ी है, ध्यान दीजिएगा, मेरी घड़ी है। यह निश्चित है कि घड़ी हमारी है, इसलिए हम संकेत कर रहे हैं कि यह मेरी घड़ी है, जो हमारे पास में है, बगल में है, ये मेरी घड़ी है। ये मेरे खिलौने हैं, ये निश्चित है कि ये मेरे खिलौने हैं, बहुवचन में इसका मतलब कई खिलौने हैं, ये सब क्या है, मेरे हैं, मेरे द्वारा निश्चित रूप से कहा जा रहा है, इससे सत्य प्रतीत होता है कि मेरे खिलौने हैं। यह हमारा विद्यालय है, अब कहा जा रहा है, संकेत किया जा रहा है, यह हमारा विद्यालय है, तो मेरे द्वारा क्या कहा जा रहा है, यह मेरा विद्यालय है, हमारा विद्यालय है, तो वह सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति, निश्चित है कि हमारा यह विद्यालय है, ये निश्चित है कि यह संस्कार ग्लोबल स्कूल है, ये निश्चित है कि हाथ में जो डस्टर मैंने लिया है यह डस्टर स्कूल का है, जो पूरी तरह से निश्चित है कि जो भी व्यक्ति या वस्तु कुछ भी हो और निश्चित हो कि यही की वस्तु है, तो वो निश्चित निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसे सर्वनाम सब जिनके द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति, कोई निश्चित व्यक्ति, जैसे यह पिताजी मेरे या मेरे पिताजी, ये तो निश्चित है कि मैं कह रहा हूँ कि मेरे पिताजी हैं, तो मेरे पिताजी हमारे हैं, तभी निश्चित है, तभी तो हम कह रहे हैं मेरे पिताजी हैं, मेरे दादाजी हैं, ये मेरा स्कूल है, मेरी बस है, मेरी कुर्सी है, तो जहाँ पर संकेत किया जा रहा है, निश्चित रूप से ये बताया जा रहा है, उसको प्रसन्न दिया जा रहा है कि मेरा ही है कि नहीं, और मेरे द्वारा ही कहा जा रहा है, किसी सर्वनाम शब्द के द्वारा निश्चित रूप से व्यक्त किया जा रहा है, तो वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। दूसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वह सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु व्यक्ति का बोध नहीं कराते, अभी तक था निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराते है कि नहीं, अब क्या है, वह सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे पिताजी, कोई आपसे बात करना चाहता है, कोई बालिका आकर के कह रही है, कोई बालक आकर के कह रहा है कि पिताजी आपसे कोई बात करना चाहता है, ये निश्चित नहीं है उसके द्वारा कि कौन है, वो नहीं जानती है उसका नाम, इसलिए आप क्या कह रही है, कोई बात करना चाहता है, अब कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कौन हो सकता है, ये निश्चित नहीं है, अनिश्चय है। दूसरा है पानी में कुछ गिर गया है, अब पानी में कुछ गिर पड़ा है, गिर गया है, क्या गिरा है, ये निश्चित नहीं है, ये तो देखने पर भी निश्चय होगा कि क्या गिरा है, निश्चित करने पर ही निश्चय होगा, लेकिन पानी में कुछ गिर गया है, कुछ तात्पर्य है कि निश्चित नहीं क्या गिरा है कि नहीं। तो इस प्रकार से जहां अनिश्चय का भाव उत्पन्न होता है, कोई निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं किया जाता है, वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है कि नहीं। घर में कुछ लोग बैठे हैं या घर पर कुछ लोग बैठे हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति आए हैं जिनका संबंध प्रधानमंत्री से है, तो कहने का तात्पर्य है कि जहां कुछ की बात होती है, किसी व्यक्ति की बात हो रही, किसी वस्तु की बात हो रही, और निश्चित ना हो कि वो व्यक्ति या वस्तु वही चीज है, वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। उसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम, वह सर्वनाम शब्द जिनके प्रयोग से किसी संज्ञा के विषय में प्रश्न का बोध होता है,
प्रश्नवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जिसके प्रयोग से किसी संज्ञा के विषय में प्रश्न का बोध होता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह पुस्तक किसकी है, तो पुस्तक की का बोध हो रहा है, संज्ञा से बोध हो रहा है, यह पुस्तक किसकी है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, कौन है, किसकी तथा कहां से संबोधित किया है। माने क्या बनाया है, माने क्या बनाया है, तो वह सर्वनाम जिनके प्रयोग से किसी संज्ञा के विषय में प्रश्न का बोध हो रहा है कि माने क्या बनाया है, या पुस्तक किसकी है, या डस्टर किसका है, या मोबाइल किसका है, तो कहने का तात्पर्य इस प्रकार से प्रश्न किया जा रहा है, प्रश्न का बोध हो रहा है, संज्ञा के विषय में प्रश्न का बोध किया जा रहा है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे यह पुस्तक किसकी है, माने क्या बनाया है, तुम कहाँ रहते हो, वह या किसकी गाय है, इस प्रकार से संबोधित किया जाता है, क्या क्यों कहाँ कैसे इत्यादि का बोध होता है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगे रहते हैं, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम, वह सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आए शब्दों का परस्पर यानी आपस में संबंध बताते हैं, वाक्य में जो संबंध आया हुआ है वह एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है। जैसे जो पढ़ रही है वो मेरी दीदी है, अब वाक्य में क्या आया है, कह रहा है, कह जा रहा है कि वह सर्वनाम जो वाक्य में आए शब्दों का परस्पर आपस में संबंध बता रहा है, जो वाक्य में शब्द आया है, जैसे जो पढ़ रही है वो क्या है, मेरी दीदी है कि नहीं, तो संबंध किसका है, पढ़ने का, और किससे है, मेरी दीदी से है, जो पढ़ रही है उसको दिखा रही है, जो पढ़ रही है मेरी दीदी है कि नहीं, तो दीदी का संबंध किससे है, मुझसे है, तो जो और वो ये दो ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जो दोनों के संबंध को बता रहे हैं, जो पढ़ रही है वो मेरी दीदी है। अगला जिसने झूठ बोला है, जिसने भी झूठ बोला है उसे सजा जरूर मिलेगी, जिसने उसे है कि नहीं, जिसने झूठ बोला है सजा किसके, उसे ही सजा मिलेगी, जिसने कहा उसी से संबंध किया जा रहा है, जिसकी लाठी उसकी है, जिसका उससे संबंध प्रकट किया जा रहा है कि जिसकी लाठी है, जो हाथ में लाठी लिया हुआ है उसी की भैंस है, जो बलशाली है उसी के सब कुछ है, तो जिसका जिसकी उसके से जिसने उसे जो का वो, तो कहने के तौर पर है यही चीज बताया जा रहा है कि जो सर्वनाम जो वह सर्वनाम जो वाक्य में आए शब्दों का परस्पर आपस में संबंध प्रकट कर रहे हैं, जो शब्द आए हुए हैं उनका संबंध क्या है, जो का वो से क्या संबंध है, जिसने का उससे क्या संबंध है, जिसकी और उससे क्या संबंध है, तो जिसकी लाठी है उसी की ही भैंस है, जिसके उसके संबंध है, जो का वो से संबंध है, यानी जो पढ़ रही है वो मेरी दीदी है, इंडिकेट किया जा रहा है, संकेत किया जा रहा है कि जो पढ़ रही है वो मेरी दीदी है, तो यहां संबंध प्रकट हो रहा है पढ़ने का, जिसके जिससे उससे जो पढ़ रही है उसको वो से संबोधित किया जा रहा है, जिसने झूठ बोला है उसे सजा मिलेगी है कि नहीं, तो कहने का था जिसने का उसे से, जिसकी का उसकी से, जो का वो से संबंध प्रकट किया जा रहा है, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला आता है जो अंतिम में है निजवाचक सर्वनाम, वह सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोगकर्ता स्वयं के लिए करता है, ऐसे सर्वनाम शब्द है जिसका प्रयोग जो कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है कि उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपनी वस्तु खुद संभाल कर रखूंगा है कि नहीं, तो मैं कौन सी वस्तु, अपनी वस्तु कैसे किस प्रकार रखूंगा, खुद का यानी मुझसे मेरा संबंध है खुद से, मैं खुद ऐसा काम करूंगा। दूसरा है मैं अपने आप घर जाऊंगा, मैं कैसे जाऊंगा, अपने आप स्वयं, यहां अपने से ही बोध हो रहा है, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए है कि नहीं, हमारा जो अपना काम है उसे स्वयं से, यहां भी स्वयं से मतलब यहां अपने आप यानी स्वयं में ही है, और मैं अपनी वस्तु खुद स्वयं से ही बता रहा हूं है कि नहीं, मैं जो गलती कर रहा हूं, दूसरा शब्द अपने आप में देखिए, मैं जो गलती कर रहा हूं उसे स्वयं ठीक करूंगा है कि नहीं, मैं जो कार्य कर रहा हूं उसका उत्तरदायी मैं ही हूं, तो कहने का तात्पर्य वह सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोगकर्ता स्वयं के लिए करता है, यानी जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, तो कहने का तात्पर्य है कि जिसके लिए करता जब स्वयं के लिए अपना कार्य कर रहा है, वह सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोगकर्ता स्वयं के लिए करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं।
वस्तु स्वयं संभाल करके रखूंगा, मैं अपने आप भर जाऊंगा, मैं चल करके जाऊंगा, मैं स्वयं यह कार्य कर लूंगा, मैं जो गलती कर रहा हूं उसे स्वयं सुधारूंगा। तो कहने का तात्पर्य जहां स्वयं अपने आप स्वतः का संबंध होता है किया जाता है, वहां इससे निश्चित होता है कि यह अपने आप स्वयं के लिए बातें कही जा रही है, तो एक निजवाचक सर्वनाम होता है। ये चैप्टर नंबर 18 यहीं से समाप्त होता है। ये आशा है कि आप लोग सर्वनाम के बारे में पूरी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, धन्यवाद।